सांवराज में गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के एनकाउंटर और अंतिम संस्कार को लेकर आज राजपूत समाज की ओर से प्रस्तावित हुंकार रैली, श्रद्धांजलि सभा के दौरान कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन एसपी परेश देशमुख ने बताया कि ग्राम सांवराज में आज होने वाली श्रद्धांजलि सभा को देखते हुए जिले के अलावा 6 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, 8 उप अधीक्षक, 27 पुलिस निरीक्षक, उप निरीक्षक पुलिस, वही 9 कंपनी आरएसी को मिलाकर कुल 2500 से ज्यादा पुलिस के जवान और पुलिस अधिकारी तैनात किए गए हैं। और गांव सांवराज में से गुजरना होगा, जिसके लिए 32 नाके बनाए गए हैं। वहीं नागौर पुलिस अधीक्षक परेश देशमुख खुद डीडवाना में कैंप कर रहे हैं। वहीं श्री राजपूत सभा के अध्यक्ष गिरिराज सिंह लोटवाड़ा ने बताया कि राज्य सरकार ताकत के दम पर लोगों की आवाज को दबाना चाहती है। आनंदपाल एनकाउंटर मामले की सीबीआई जांच सहित अन्य मांगों को लेकर जयपुर से हजारों की तादाद में लोग सांवराज पहुंचेंगे। वहीं इसके लिए सभा की तरफ से वाहनों की कोई व्यवस्था नहीं की गई है और लोग अपने अपने स्तर पर वाहनों की व्यवस्था कर सांवराज पहुंचेंगे। वहीं सरकार आंदोलन को डायवर्ट करने की भी कोशिश कर रही है और इसलिए बीच में ऐसे मामले लाए जा रहे हैं जिनका राजपूत आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें, नागौर के सांवराज में आज हुंकार रैली, श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, जिसके चलते मौके चप्पे चप्पे पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। पुलिस प्रशासन जिसने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सांवराज में किए हुए हैं और सांवराज इस वक्त पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो गया है। 32 नाके बनाए गए हैं जहां पर हर वाहन की तलाशी ली जा रही है और उसके बाद ही वाहन को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश के तमाम जगहों से आज इस हुंकार रैली के लिए लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं। जयपुर से भी हजारों की संख्या में लोग आज सांवराज पहुंच रहे हैं और इस मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर ये हुंकार रैली का आयोजन किया गया है। पिछले 18 दिन से लगातार परिजन मांग कर रहे हैं कि इस मामले की सीबीआई जांच हो, उसी के बाद आनंदपाल का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो सरकार ने भी इस हुंकार रैली से निपटने के लिए पूरी रणनीति बनाई है। पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के वहां पर किए गए हैं। 1,00,000 लोगों के पहुंचने का वहां पर दावा किया जा रहा है, जहां प्रदेश के तमाम शहरों से आज लोग पहुंचने भी शुरू हो गए हैं। साथ ही आपको बता दें, 12 बजे के बाद सभा का आयोजन शुरू होगा। वहीं नागौर जिले की पूरी सीमा को सील कर दिया गया है। 32 नाके बनाए गए हैं जिनकी जांच की जा रही है। तमाम जो वाहन वहां पहुंच रहे हैं उनको रोक कर उनकी तलाशी ली जा रही है। हर वाहन की चेकिंग की जा रही है। आने जाने वालों पर किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन तमाम तरह की जांच के बाद ही उन्हें अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। तो एएसपी स्तर के 6 अधिकारी आपको बता दें मौके पर तैनात किए गए हैं, 14 डीएसपी तैनात किए गए हैं, साथ ही 2,500 पुलिस के जवान मौके पर लगाए गए हैं। तो जयपुर कमिश्नरेट से सीआई, एसआई, एएसआई की ड्यूटी भी लगाई गई है। सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट न्यूज़।